अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माया तवाजी होस्ट सदा भुट्टो सबका पिने सिंध टीवी जे खूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में मां दिलजी घेरन सा तवा सबन के भली कार थी क्या। उम्मीद कंदस बिल्कुल ठीक ठाक हुंदो, खुश हुंदो, मजे में हुजो, खुश हुजो, हमेशा मजे में ही हुजो। ए अज जी मौसम जे बारे में तवा के मां बुधाईनी आला, कराची में दियो नी थद वधंदी वनी जारी गाला। असा के सियारे के भी एंजॉय करन घुरजे, मौसम के भी एंजॉय करन घुरजे। ए एंजॉय सा गडो गड मां बुधाईनी आला, कल खा असा ने एकरे प्यारे दोस्त जे बारे में अफवाह हली रही है त उन के उन जी तबीयत नासाज हुई। जारी गाला उन जी वाकई में तबीयत कल खराब हुई, शो में भी चे मुझे तबियत ठीक ना है, पर इतना वहीं शो कर वही कल बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला कर बुध बुध में आया हुआ कल का वी इशार फोत हिं हूँ थो मां पंजे जेके भी असन भाईर भेनर जेके भी असा दोस्त ऐसी रहा सोशल मीडिया वारा या जेके मीडिया से भी आन त बिना तस्दीक के बिना के जान सुण के तुम कें भी मानू के बारे में अफवाह कर छींदा उनकी भी फैमिली होंदी उन अम्मी होंदी है भेनर होंदियों दोस्त भाईर हूँ उनकी फैमिली केतरो परेशान थी वेंदी है तवे सिर्फ एक चलो फैमिली तो फैमिली अदरवाइज जी खानदान वा हूँ जी उन प्रस्तार हूँ सिंध टीवी जो कोलिग्स हूँ अस सब पा में एक दोस्त आयो सभी सभी अड़ी अफवाह हुलाए कर परेशान कर छोड़ो पर समझती मैं वक्त के मुजस्मे या के रूह से वेठी आया। अस्सलाम वालेकुम ता आयो ना? हाँ बिल्कुल मैं आया मुझे ता पजी गाल पूरी कयो ता पंजे जीरे उजण सबूत दिया दिसो। अस्सलाम वालेकुम आओ ता जो पंजे इरशाद जागी ता जी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है ता बिल्कुल ठीक ठाक हुंदो, खैरियत सा हुंदो, मजे में हुंदो, ता जी दुआओं जी तोफिल परेशान जी दुआओं जी तोफिल। आऊं बिल्कुल ठीक ठाक आया। कल खां वठी सोशल मीडिया ते एकड़ी अफवाह या एकड़ी प्रोपेगेंडा हली पई ते इरशाद जागी रानी गुजारे वो है इंता ही हैरत तदें थी जैसे कें दोस्त इं पोस्ट भी रखी छी तो संदस मड़ जो है सो संदस अबाणे गोठ में जो है मिट्टी माँ वाले के सो मैं ढी हैरत में हुस सची गाल दिल में थोड़ी तकलीफ थी हुई सुबह सवेर इन सिलसिले में असं वयासी डॉक्टर के दिखारे आयासी मुसा गड मुझे दोस्त साथी यूसुफ सेवड़ो भी हलो सो उन एक फोटू कढ़ो उन वो सोशल मीडिया से रखी छो तो दुआ की अपील है इरशाद की तबियत ठीक ना उन ही फोटून के माना एक ये खड़ी चूं तो फोटून के बुनियाद बनाए मानून अची कर यह गाल हुए छी तो आऊँ गुजारे पे आया लाडानू कर कई ताजियतू कई ताजियती पोस्टू हमदर्दियों मान जहाँ तो वरी यह भी खबर पई बल्कि कुछ पोस्टू मुत भी शेयर थियं मुत भी पौतियं तो टिकटॉक की एप से मानू ने मुझे मरण के मथा मतलब मुझी फोटोज के मथा मरण जहा गाना हलए कर दुख की खबर चंगो भिटाई आओ हलां तो अड़े किस्म जहा सची गाल है तो सबूर पोस्टू ऐसी कर पा रोण हारको थियस तो मुझे परिस्तार जो मुझे घर भात जो मुझे फैमिली जो हाल हों बाबा साई मुझे मोबाइल एंड्रॉइड सेट न हल्द हाँ मैं ाल तो मुझी किफत जी है ना वह भी रोणारगी थे थी वो ये सेट न हल्द है उनके मोबाइल की खबर एतरी जान ना उनके उनकी ऑफिस में जी बया दोस्त वर्कर उनके अची बुदायूँ तो बाबा तुम पुट जो है सो हाँ लाडानू कर दिल जो दौरों उनके पे तो बाबा साई की किफत होंगी ए चार मिनट कुछ वो पाड़ेवारा बाबा साई से मिलना आया भाई खबर बुधी से तुझे पुट गुजारे कल जो मुखो एक गलती थी मैं वह तस्लीम क्या तो असल में तो मैं डॉक्टर से जैसे मुलाकात थी मशवर दिनों तुम वही रेस्ट कर जी घर पौतुस तो मैं मोबाइल ऑफ कर सुम्मी पुस मैं कलाक खन में सुतल हुस उन जी उतुस तो सोशल मीडिया से बाहे बरड़ी इन विच में सभी की खबर भी न हुई तो इरशाद तो मोबाइल भी बंद आ लगे तो कुछ का गड़बड़ है पर जी वेझा साथी हुआ अस दोस्त है प्यारो गफार गोपांग से वो अची दरवाजे से घर आयो लाइव जो है सुबह तो पेज तक सो पर चवण मकसद यो है बगैर कें तस्दीक के खबरू एक हलायण ए सोशल मीडिया पर जो मयार कहराए रही है इन सूरत में छो तो असं कड़ी गाल एतबार कहीं टीवी की खबर ऑथेंटिक है एकड़ी माना मुस्बत खबर है सोशल मीडिया से पा तमाम घो एतबार कंदा हुआसी कंदा रहा आयो पर अड़ी किस्म की खबरों का एतबार खजी वो सोशल मीडिया तक कल इंतहाई मुझे परिस्तार के दुख थो इंतहाई शदीद रंज में हुआ इलाही जगह से अला सही मुझे परिस्तार के बधाए तो उन्होंने फोनू क्यों तो तीरे होजन की जैसे खबर पई है तो असं मिठाई भी विराई है खीर विराया तमाम घड़ी खुशी है जशन मल्हा सऊदी में दुबई में सिंध में भी सो वो जी मूसा प्यार कंदा जी मुझी शायरी तमाम घड़े मिकदार में पंजन मोबाइल्स में रखा उन मतलब पेरन हेठा जमीन छड़ा जी वही जड़े नमूने से ये खबरू पोस्ट कई हुई जड़े नमूने से दिन हुई तो खबरू पा जैसे बुधियं या डिठ्यू तो पा सख्ते में अची हुस पा उबाणको थियस तो माना हिं हिं एडो सारो माना मानून ने यो भी लिखी छोड़ो तो खैरपुर में मिट्टी माँ वाले वो सुबाने तदवी नी यार हालत है ये ना कर सो मेहरबानी थी तीन मूँ सिर्फ असाजे जो दोस्त हैं उन्होंने सिर्फ दुआ की अपील कई हुई उन्होंने यो चाहिए इरशाद जागीरणी के लिए दुआ कर बिल्कुल ठीक ठाक आया अल्लाह साईं जो करम आए जीरो आया
तीन वक्त जो आवाज़ मुझे तीन पहुंचे तो अमर मुझी कल ढो परेशान हुई मामा मुझा चाचा मुझा भाई सब डिस्टर्ब रहा पूरी माना जो फैमिली है वह पूरी डिस्टर्ब रही हाल हों सोचो तो बारे में कोई चई छे तर हो घर इतला दे तो गुजारे पो है एक्सीडेंट थी पो कई दिल जहा मरीज भी दिल जो मरीज आया पर इन सिवा भी इलाज कुछ सची हाल ही है कल अस्पताल व्यासी पे ना अस्पताल व्यासी पे तो उत जैसे पौतासी तो एतरी तो अस्पताल भरल हुई मरीजन में तो मूँ अदा यूसुफ के चुम यार ये सब बीमार हैं जब भला सो मुल्क संसार ही बीमार है जैसे उतने पहुंचों था बिल्कुल माना ही वरी बाहर निकलूँ सब ठीक ठाक फिटफाट चाक लगा पे सो बीमारियों भी पर एहतियात बिनता ही लाजमी है पर मेहरबानी कर एहतियात कर अड़ी गलत किस्म की पोस्टू न लाओ हाँ बिल्कुल ठीक ठाक आया दुआओं से एक ढी मरणो है एक ढी मरणो है सभी के वनो है पर जिकने मींदा सी त सही ऑथेंटिक खबर स मींदा सी ये मानु जी अफाऊ है इनन गालन के त असा एतरो दिल ते तवा भी न वठो ता ओड़े तरीके सारो जी ता पानी स्टाइल में रहंदा है बिल्कुल बिल्कुल बाकी खणी दर्दन भरी विंदु स एकडी मां मरी स्टाइल स तवा पानी स्टाइल में अची वनो वा स्टाइलो जो सैंडल जको है मार्केट में मौजूद है आने चयो थों त घणो न गलाए सैंडल ही गाला बिल्कुल सो स्टाइलो जो सैंडल मार्केट में अची हुआ है 170 का वधिक उन जा आउटलेट्स हैं 50 का वधिक शहरन में स्टाइलो जो जके इन से बाकायदगी बाकायदगी सा हुए 50 शहर में 170 आउटलेट्स वही विजिट कर मुख्तलिफ वही सुी गाल है मुख्तलिफ वैराइटीज में उनका सैंडल मौजूद है तूंट सिलेक्शन तुम बिल्कुल कर सो एक बे अढ़ाई मतलब इलाही मकदार में उनकी वैराइटी है तुम ऐसी नाजरीन स्टाइलो के बारे में 170 का ब्रांच 50 शहर वही गाल है मुल्क में अना तो शहर तो खोड़ सारे हैं पर 170 जी ब्रांच है तुम किथा भी उन्होंने स्टाइलो की शॉप्स से वही कर चप्पल पंपी शूज या वेडिंग जी थी रही है अजकल सब का वही गाल अजक मूँ जी पिकनिक जो प्रोग्राम ठा रहा है तो उन्होंने लॉन्ग शूज शॉर्ट शूज भी हैं सियारे के करे तुम पे पेर के बंद रख पसंद कह ताकि जी तव पेर गरम रहन सॉक्स वगैरह पाए कर इजीली कैजुअली भी तुम उनके यूज़ कर सो सियारे की मौसम है सियारे में तो असं पा भी चप्पल वगैरह न यूज क्या शूज यूज कारन की कलेक्शन के बारे में तक बुधाई हल्ला जी नई मौसम है थदी थदी असाजी भी ये कोशिश होंगी है तो असं जी अस पान के पैक रखा पान का असें बारन के पैक रखने की कोशिश क्या ताकि उन्होंने का थद न लगे तो बारन की कलेक्शन भी आई है पर कोरोना के करे बारन के घर का बाहर ना कढ़ूँ उनके करे यह भी तक सहूलत दिनी है तो ऑनलाइन शॉपिंग कर सो स्टाइलो के पेज से वही उनके कॉल कर उनकी एक न वाग जो शायद वाली गाल है तो खोड़ सारी कलेक्शन है उन्होंने वटे कड़े भी शूज के कड़े भी उनके बैग के तुम लाइक कर सो उनके कॉल कौ स्टाइलो जो फर्स्ट ऑफ ऑल कम है ताते ताजी शे पहुंचाएं वही चवंदा जो चाहो वो पाओ जी तुम शे चाहो ता जी तुम शे पसंद कर इन की गारंटी मां तुम दी तक उही मिली इन की खास गाल है इन जो वेट एतो हल्को हों जो चप्पल पे मूव क्या या पा घुमो फिरो किथे भी वॉक तुम इजीली वॉक वगैरह भी कर सो इन चप्पल में इन शूज में लेडीज इलाही गुड न्यूज़ ये है तो उनका परफ्यूम भी है उनकी ज्वेलरी भी है उनका कवच भी है उनके परफ्यूम के भी तो इजीली यूज कर मर्दन के लिए परफ्यूम है उनके लिए खुशखबरी बतायो असन के लिए आया है असन के लिए तमाम घना लेकिन सुठा सुठा आइटम्स स्टाइलो मार्केट में आंदा है फेम ए डिजाइल के नाले से परफ्यूम है ब मर्दन के लिए भी जबरदस्त है उनकी खुशबू देर तीन होंगी है देर पा होंगी है वगो लाता धुपजे पे तो उनकी हल्की खुशबू जरूर उनमें रहती वेंदी है तक घर भाती जरूर पुछा क्या कें परफ्यूम दिनों अई किथा आंदो अई कें आयो अई अंदर भी असि वही प्रेग्नेंसी अची वेंदी है लाइक जैसे अस पा भी कदम को अड़ो परफ्यूम लगाई है कदम को जो मतलब है तो स्टाइलो जो ही जैसे परफ्यूम यूज करें कें भी बार के या कें भी अम्मी की भेनर के हक कहनी है तो उनके अंदर भी वह प्रेग्नेंसी अची वेंदी है तो परफ्यूम की यही खासियत होजन घुर्जे तो परफ्यूम खास कर सुण थी वेंदी है पहचान थी वेंदी है परफ्यूम से इंसान जो फेस जो है ना फ्रेश रहंदो है एकड़ी पानी फ्रेग्रेंसी हुंदी है इंसान के खुश अड़े तरीके से रहन घुर्जे अस अक्सर त जदे थोड़ा उदास हुंदा है जदे थोड़ो पानी रूम में या पान के थोड़ा फ्रेग्रेंसी करण जी कोशिश कंदा है तो थोड़ा सा खुशबू भी इंसान जो काफी मूड पे असर रखे थी काफी उन जो मूड के सुठो कंदी है रोमांटिक कंदी है तो खुशबू जो जिंदगी में इलाही जरूरी इलाही वडो मकदार में मां समझाती कम है जी ज्वेलरी के बारे में मां गुफ्तगू कर रही हूं स्टाइलो जी
ज्वेलरी उन एतरी तो खूबसूरत है, कुंदन जो कम थल है, उनमें पल्स लगल मोती लगल स्टोन लगल उनकी मर्जी पानी ऑर्डर जो भी उनकी मर्जी की भी ज्वेलरी ठहरा सोता जैसे कि ये ज्वेलरी खपे पर जी ज्वेलरी विजिट कर तो ऑर्डर विसरी ऑनलाइन भी सहूलत है अजक शॉप्स भी जल्दी जल्दी बंद थे कोरोना की वबा मुंद अड़ी आ तो ऑनलाइन जैसे ऑर्डर दी घर बाकायदा पार्सल पोची वो घर वेठे स्टाइलो के स्टाइल से अम्मा भेनरियन मायरियन अक्सर कोशिश चप्पल पेड़ी पाई कंफर्टेबल भी हो स्लीपर टाइप भी हो घी हील भी न हो घी उन खुड़ी भी न हो चवंदा तो खुड़ी के भी असि वो माय किरी पवन तो उनके जहरे गाल धक लगी वो तो उनके इजीली कैजुअली चप्पल्स भी आज तक भी चप्पल यूज कर वी कलर ऑसम इतने बटे डी स्टॉल लगल हुए काफी सारी पिक्चर्स है काफी सारा तमा सा जेके पुराना शोज खणी दिसन उन में माने स्टार में सब जेके भी माने सैंडल होया वे सदा वठी जरा स्टार तकरीबन तकरीबन मुझे लगे तो पर मार्केट में मौजूद है सैंडल वो भी आउटलेट में विजिट कयो बिल्कुल खत्म कोन ध्यान ता उन जो काफी सारा शूज वठी भी सको ता स्टाइल तो वणन गुरजे मा हाणी ताके मा बुते मा रिसेंटली मा वही भी मा काफी सारा शूज ता परचेस कया भी है कुछ एड़ा शूज भी जेके न्यू वेदर कलेक्शन में उन्होंने सा के नबी दिखाया होया पर जदे सा उन्होंने शॉप ते वणो ता अग्या पोया कुछ एडी कलेक्शन कुछ एडी सिलेक्शन होती है असा के फाइनली मिली ही वेंदी आ आई नाजरन के मैं बो बताया तो छोकरी के अंदर खास कर ये होती है तो असा एडी चप्पल या एडी शूज वेयर के असा के हलन करने में असा के इजी रहे तो वर्किंग वुमेन के लिए मैं ये चवंदा से तवा इजीली इन चप्पल के यूज कर सको ता शूज यूज कर सको ता जे के अचन थी वनन थी इन जी टाइमिंग इतनी सुठी होती है तो 2 3 साल ता इजीली कड़ी सको ता जे के तवा केयर सा पानी चप्पल के पानी शूज के हलायो ता मा त दुकानदारे वापस सेहत जो केयर कयो लगे फिटफाट जवान आयो 16 साल जी तां इन वक्त बिल्कुल खैर या सानी गुफ्तगू तना से हलंदी रंदी असा छ मौजूद मेहमान से मिलाय उनन से कुछ गुफ्तगू कई जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी आज कल छापई करे की पार्टी जी कयादत के अगते वधाइनो आ है आज खैरन सा बुधायो पे वने त बख्तावर भुट्टो जरदारी जी मंगणी जी तकरीब भी रिथल है उनमें भी तमाम घना मेहमान अचणा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोरोना में है वो तकरीब में शिरकत कंदो न कंदो इन जे बारे में भी खबर ना है छा थेण वारो आ पीपल्स पार्टी जमील सुमरो साहब भी कोरोना में वठी वियो है सो उन खां पोए जेकी पीडीएम जा जेकी जलसा है उनन ते भी थोरी माना गहरी नजर असाजी भी आए हां बिल्कुल 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 मौजूद मेहमान सा बिन हवाले सा कचहरी कंदासी मुल्की सियासी सूरत हाल छा पई थे काडे वने पई सो अज पीपल्स पार्टी जो सीनियर अगवान चंजेब खान साहब अस है उनके भलीकार चूं था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर जी कैसे हैं ठीक हैं अल्लाह का एहसान बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थैंक यू सो मच इन सवाए अस गर्भाती असो सुनो साथी उस्ताद मोहरम नाज अज बाकायदगी से रिहर्सल में लगू पे को सुठो कलाम जरूर थोड़ी देर में बुधाई उस्ताद साई खुश आयो तबियत ठीक सर दुआ ताम दर शाह भी तबियत तमाम ठीक है बिल्कुल ठीक है कल ताक के डिस्टर्ब कयो सी अजर भाई के तमाम घना फोन अची विया मुजी सेहत जे हवाले सा ताक के सजुरी मां हैरान जी के सपानी को तुम के मजीद सुबह सुबह थोड़ी हुई वाकई थोड़ी तकलीफ हुई खैर असा पर गुफ्तगू मजे ने कंटिन्यू के तंग थिया हूं यकीन कल अफसोस भी थियो यार वाकई असा छो ही नहीं पास मुखो तंग थिया हो जेकर इना गलाइंदो त वरी हे तंग थी ब्रेक ही न उठदा बिल्कुल नाजर हलंदा सी कमर्शियल ब्रेक ते तरो ब्रेक हा पोए जल्द वापस ता चोंडी सुंदर हो पांजे प्रोग्राम सलाम से शहानी है मन जोड़े पैगाम मुझे सिंह के सलाम सलाम सुन शहानी है मन जोड़े पैगाम मुझे सिंह के सलाम सलाम सुन वेलकम बैक नाजरन निकतो बियर भली का करदस तो के सिन टीवी जे खूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिन में असन ब्रेक के वजन का पेरे जे की मोरम ना सा कुछ गुफ्तगू रहजी वे कुछ गलन चाहन पे उन सा करना सी वो पने मेहमान के ट्रेन करना सी मोरम साई मोरम साई नहीं कल परेशान रहो अल्लाह सब खैर करे परेशान दीना अल्लाह सब जो खैर करे ए वाके बगैर तजदीक जे का खबर बिल्कुल यकीन को घड़ी घर मां भी कल शॉक थी उस मां वरी फोन की ता वाकई फोन भी बंद ता तो सोचो पे हाने तो मुचो है हाने अच्छा स्टाफ में काफी दोस्तन फोन गई मुके के भी फोन करे ता न पूछो
मुझे ब्रदर हों यूके उन्हें भी कॉल कई चीज खैर तो है माच वाला खैर कर बड़ी वेझा अजीज दोस्त पूछा कन पे वेझा बस अर्ज भी खुदा वाकई सोशल मीडिया जो सही इस्तेमाल कर कल अजहर साहब तमाम परेशान रहो अजहर साहब के फोन बंद न करना घुर्जे बटे मिनट ही सुतो हो जिंदगी में बटे मिनट मूँ तो सुन गया उनखा पो वरी मुखे खबर न हुई त इए मुझे सुवण सा बंबोरो बाय लगी हुंदी पर शायद एक गाल है तुम ये भी दिसो तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जी तुम्हारा मूँ हैं तुम जी प्यार कन था उन सभी तुम्हारा मोहब्बत केतरी है अचानक से खबर बुधी तो किथा ना किथा नंबर रद्द करे बाका तस्बीह सोरी मुझी सेहत के लिए अल्लाह सही उनके सेहत दे किन नफल पढ़िया शुक्राने जा मां ठीक थी हुस या मुझे खैरियत की जैसे खबर मालूम थे बहरहाल वो प्यार है मानुन जो रोज अलग घना मानू दुनिया में मरन अलग घना मानू लाड़ो कर पर कैंजी कैंखे खबर ही ना सिर्फ सवाए पाड़े या मिट माइटन पर असि आर्टिस्ट असि टीवी से अचूँ था टाइम कटी ब चार मिनट मुखातिब लकी आयो इन मामले में तमाम प्यार मिलता अस खुशियों में भी शामिल हूँ अस दुख में भी शामिल हूँ तीन केयर कहो असो समझा इन समझा जो कें घर जो भाती माना हादसाती तौर से गुजारे पे परेशानी हालत में फोन भी चवान पे यार ये कम है या जो भी इंसान जो किरदार है अस स्क्रीन से वेठा आयो स्क्रीन से वेही कर जो भी डिलीवर क्यों था इंशाला सुनो हाथ के मकसद यो है मोरम साई तो असे कुटुंब जहा सिर्फ फर्द ना बिल्कुल पर जी भी असन पे अस हर घर जहा भाती आये सर हर घर के सदमो थे इन करे चयो वेंदो आ त एक आर्टिस्ट एक कला कौम जो असासो हुंदो मैं इस हवाले से मैं चंद साहब से बात करना चाहूंगी सर आप क्या कह रहे हैं आप देख रहे हैं लोगों ने कल इनके बारे में गलत अफवाहें कर दी अफवाहें तो चलती रहती है सियासत में भी आजकल बड़ी बड़ी अफवाहें फैल रही है लेकिन अभी जो पता चला है कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कोरोना हो गया क्या ये बात ट्रू है जी अल्लाह ताला परवरदिगार उनको सेहत दे और उनके पार्टी के चेयरमैन भी हैं और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में एक बड़ी जमहूरी पार्टी की जो है जिम्मेदारी उनके कंधों पे अल्लाह पाक उनको सेहत दे खबर गलत तो नहीं हो सकती क्योंकि इस वक्त जो अपोजिशन का रोल है उसमें मियां नवाज शरीफ की यहाँ मौजूदगी नहीं जी, है और तमाम तर इस वक्त जो मरकज निगाह है तो वो शहीद रानी बेनजीर भुट्टो का बेटा है बिलावल भुट्टो अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जहाँ तक ये फेक न्यूज की बात है अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए आपको इसे सुनने को मिलता हुआ कि वो फेक न्यूज थी ये तो अब गलत हो गया आप यकीन करें कि कल एयरपोर्ट पे था तो मुझे किसी दोस्त का फोन आया कि अताउल्लाह सखेलवी साहब जो है वो उनके बारे में न्यूज है फिर मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा मैंने कहा कन्फर्म करो क्योंकि वो कोई हफ्ता एक पहले जो है यहाँ कराची में हमारे भाई हैं हुमायूं खान साहब उनके बेटे की शादी में आए हुए थे सही सही तो अवल तो दीन आपसे ये कहता है कि जब तक आप किसी बात की तस्दीक ना कर दें तो उसको आगे ना पहुंचाएं बिल्कुल मगर फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर कॉपी पेस्ट करके सारी लोग लगा देते हैं उनको कोई काम नहीं होता सिवाय लोगों की किरदार कुशी करने के या फेक न्यूज फैलाने के तो दुख होता है ये मोबाइल है और ये इसमें जो आपके पास सहूलियात है उसके अंदर आपके पास वो आपकी सोच की आपकी कोई भी चीज होती है वो आपकी सोच की अक्कासी करती है आपके किरदार की अक्कासी करती है आपका कोई भी अकाउंट है जब आप उसको यूज करते हैं उसमें कोई अच्छी बात आप करते हैं अच्छी बात की तारीफ करते हैं अच्छी बात की तायीद करते हैं तो लोग उससे मुतासर होते हैं तो ये जो चीज है इसको अच्छे पराये में इस्तेमाल किया जाता है दुनिया में बदकिस्मती में हमारे पास कोई भी चीज आती है तो उसमें
नेगेटिविटी ज्यादा होती है, पॉजिटिविटी जो है वो कम होती है। सही, शरारती लोग थोड़ा सा ज्यादा ही एंजॉय करते हैं उस। बिल्कुल, और आप लोग चूंकि मीडिया पर्सन जो होते हैं, जो एंकर्स हो गए या फिल्म या टीवी से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, तो इनके बहुत बड़े फॉलोअर्स होते हैं। आप लोगों को लोग मतलब सुबह देखते हैं और आप लोगों से एक मोहब्बत होती है, एक उनसियत होती है। सही, सही, सही। और आप लोगों के मुतालिक अगर कोई ऐसी खबर आती है तो बड़ा दुख होता है लोगों को। सही, 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 सही। तो अल्लाह पाक हदायत दे जी, दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हदायत दे। पर सही 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 सही। सर आज बिलावल भुट्टो की बड़ी बहन की मंगनी है, आप इनविटेशन, आप इनवाइटेड हैं, आप जाएंगे क्या? शहीदों के घराने में बड़े अरसे के बाद एक खुशी आ रही है, खुशी का दिन है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में जितनी शहादतें कायदे आवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जुडिशल कत्ल से लेकर शहीद रानी बेनजीर भुट्टो की शहादत से लेकर, फिर देखें पूरा खानदान जो है इस मुल्क की सियासत के ऊपर। और हम तो आम पैराहे में ये समझते हैं कि सियासत बहुत आसान रास्ता है और बड़ा कुछ बनने का रास्ता है, मगर इसके लिए जितनी शहादतें, जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खानदान ने दी हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के। सही बात है, सही बात है। और इसमें भी कोई वो नहीं है कि बहुत अरसे के बाद शहीद रानी बेनजीर भुट्टो की शादी के बाद जो है ये पहला मौका ऐसा है कि बीबी के साहबजादी की जो है वो मंगनी होने जा रही है। खुशी का मकाम है और दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला कुल कायनात में जो बेटियां अपने बाबुल के घरों से रुखसत हों, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे और अपने हबीब के सदके जो है, पंच तन के सदके जो है वो बख्तावर बीबी के जो है वो नसीब अच्छे कर और उनकी आगे जिंदगी की मंजिलें जो हों वो आसान हो, बशमूल तमाम दुनिया की जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, अपने घरों में खुश रहे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, आज के दिन वो आइसोलेशन में, ये बात थोड़ी सी तकलीफदा है कि बहन की मंगनी है और वो आइसोलेट है। असल में मसला ये होता है ना जी कि उनके पास कोई और नेमुल बदल भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बाजुकात तो ऐसा होता है। लेकिन एक बड़ी खुशी, खुशी का दिन, एक भाई बीमार है तो दूसरा भाई शिरकत कर गया, दूसरा भाई बीमार है तो तीसरे भाई ने शिरकत कर दी, तो दो बहनों का एक इकलौता भाई हो और इतने अरसे के बाद जो है वो उस घर में खुशी हो और वो भाई जो है वो उसमें शिरकत न कर सके तो बड़ा तकलीफ दे अमल होता है। आप मतलब अजीज और कारब में अपनी बहन की मंगनी में ना जाए, अपनी बहन की खुशी में शरीक ना हो। नहीं, ये तो बहन भाई का रिश्ता हो गया ना। इससे तो वो हमारे तो बड़े बुजुर्ग फरमाते थे कि बहने उम्र में जितनी भी छोटी हो उनका दर्जा मां का होता है। वो जितनी भी उम्र की हो, भाई जितनी भी बड़ी बड़ी उम्र का हो, बहनों का जो दर्जा होता है वो मां का दर्जा होता है। और आज मतलब चेयरमैन साहब के तो दिल से अल्लाह कुछ बस मार पवे कोरोना के सिंधी में था था था। करूना तो मना वण वजाए छा हुए मू जेल में तो वही पेरोल से आजाद थी, खुशी मुख्य शरीक थे, दुख में शरीक थे। हाँ करोना माना अड़ो जो है सो मर्ज आ जो मू बारो ही जनों जेल में आने। बिल्कुल बिल्कुल, बहरहाल दुआ ही कर सकते हैं। वही सर वाली बात है कि इसका कोई दूसरा हल ही नहीं है, जो होगा बस ये कर, अगर कोई बंद है तो वो बंद ही है। मतलब एक वो होते हैं कि दूसरा बंदा एक्स्ट्रा टायर रखता है कि ये टायर पंचर हो गए तो ये वाला चला लेंगे, उसमें तो वो चांस मिलता ही नहीं है, है ही नहीं वो चीज। जी बिल्कुल। और देखिए ये कुदरती आफात है और जब जब दुनिया में कायनात आदम अलैहिस्सलाम से लेके इस कायनात में जब भी इस जमीन पे जुल्म हुआ, ज्यास्ती हुई, नाइंसाफी हुई, तो आप इसको मुल्की सतह पे भी देखें और बैनुल अक़वामी सतह पे भी देखें, आप उसके सामने कश्मीर देख लें, फलस्तीन देख लें, जो दुनिया में मतलब एक दोहरा निजाम है। मैं आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करना चाहूंगी, ब्रेक का थोड़ा टाइम हो गया। नाज़रीन हलंदासी सैकड़ी नंढड़े कमर्शियल ब्रेक की तरफ, ब्रेक का पे जल्द वापस था अचो असा मेहमान असा करन गुफ्तगू कंटिन्यू है। लिसनदार रहो पांच प्रोग्राम सलाम से। वेलकम
बैक नाजरन एक दो बीयर भली कार कर तवा के पांच प्रोग्राम सलाम सिंध में हमेशा वांगे जी अस तवा के पांजे गुफ्तगू में कना आयो तवा के बुदाई में अस नंबर तवा जी पांजे स्क्रीन ते जे तवा से प्रोग्राम में शामिल थन चाहो ता कॉल कर सको ता हमेशा वांगे जी तवा के इरशाद जागरण साहब साफ लगाइंदा छरे गाडो ने विचार से वरी नए साखी थी एले मन गलत गलत ने जी न्यूज लायो है सो जी जी तंजीब खान साहब चयो ना अताउला खान सा खेलवी जी मौत जी खबर कल लाई वे ड्रो बेरो न के जको है सो वाला खैर करे उनके सेहत दे उनके मारे हुए मुके पेरो दबो बराल असी मई जी रहे पेरो दबो अने सो आते अखबार जो छाती लिखी ने वाले सम ता के बुदाइंदा आलो जो मुल्क में कोरोना जा कलूर जारी वधिक 40 फोतकियों सिंध में कारोबार 8 वगे तई खुले रखने जी इजाजत ए सिंध सरकार जो 222 बेटन के सियाती मरकजन में तब्दील करने जो फैसलो उन का सिवाय सुप्रीम कोर्ट जो सिंध के वडे वजीर मुराद अली शाह के तोहीन अदालत जो नोटिस बेट सुझा वफाक के धाड़ू हण डिबो सब सूबा खुद मुख्तियारी चाहन था फजल रहमान साहब जो यो बयान अची वो मरीम नवाज साहब चवे पी तो इमरान खान सिलेक्टरन की मिट्टी भी पलीत कर छी है इन सवाल उमेर रुबाब जो केस जो हलो पे उनो रूपोश जवाबदार मेन जो मरकजी जवाबदार वो जुल्फकार चांडियो कल गिरफ्तार किया पुलिस उनकी गिरफ्तारी से सरही थी बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना में मुबतला हुए की कल तस्दीक कर छी उन ट्वीट पर अची वो पा उन है तो बिल्कुल ही यह गाल ठीक है बख्तावर भुट्टो जरदारी जो मंगेंदो संस घरबाती कराची पोतल महमूद चौधरी संस वालिद वालिदा भेण खास माइट वेझा दोस्त कराची पहुंची वह बिलावल हाउस कराची में रिथल मंगनी तकरीब में रुगो खास मेहमान के शिरकत की दावत बख्तावर आसफा भुट्टो जो साहेड़ियों भी शरीक थन्दू आसिफ जरदारी कुछ देर के लिए इंद शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के पेरोल से आज़ाद किया वो इन सवाल पंजाब के वे वजीर उस्मान बुजदार समरी मंजूर कर वरती है इन हवा से कराची में पारो पवण की अक थी स्वेटर जैकेट कंबल शालू लोयू सब जो बहर कढ़ी छो माना बहर घर खून कड़ो मतलब रखी छो पे कराची में पारो पवण की अक थी है मौसमियात खाते खबरदार कर छो है शहर में 40 किलोमीटर फी कलाक की रफ्तार से हवाओं घुली रन इन सवाल अजोकी अखबार में शोबिस जो खबरों भी ज़रात जो खबरों भी क्रिकेट जो खबरों भी सूडान जो अगुणो वजीर अजम कोरोना वायरस वगे लाडाणो कर दुख की खबर है इन सवाल डीजल सितारा भी अजोकी अखबार में आज तुम अजोको ढीं गुजर कड़े नमूने से गुजर अजोकी अखबार के पढ़ने के लिए रोजानी डीजल अखबार पा वो आऊँ जो सजी तक अखबार पढ़ी बुदाया तो बाकी कड़ो फायदा है सो सिन टीवी न्यूज ऐसो खबर ने अपडेट्स के लिए बाकी डीजल अखबार पढ़ो अज जुमे जो ढी 27 नवंबर है ब मुताबिक 11 रबीअल सानी 1442 हिजरी वही मेहरबानी तीन अखबार पूरी थी हाँ चंद साहब को सवाल कर दिन सर अभी हम जिस ब्रेक पे गए थे तो मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही थी आपने कहा था आपका कोई शोबी से भी कुछ ताल्लुकात हैं किस तरीके से हैं क्या करते हैं कितने बिजनेस हो और आपके जरा ये भी बताएं जरा लोगों को पता चले बिजनेस तो मेरा है ना जी मेरा सब कुछ पाकिस्तान के नाम वाह वाह जबरदस्त मेरे घरों के जो नाम है पाकिस्तान हाउस लाहौर पाकिस्तान हाउस कराची माशाल्लाह अच्छा फिर उसके बाद जो कारोबार है वो भी पाकिस्तान टाइल्स एंड ट्रेडर्स टाइल्स का हमारा जो है ये काम है इम्पोर्टेड भी है पाकिस्तान का भी है सही 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 अल्लाह ताला का बड़ा करम है शुक्र है और शोबिस के हवाले से ऐसा है कि वो शुरू से हमें भी शौक रहा मतलब वो मेरे कजन्स थे उस वक्त तो मैडम नूर जहाँ को अल्लाह पाक अरीके रहमत करे उनके साथ बड़ी एक अकीदत रही यूसुफ खान साहब और ये जितने आपके लेजेंड हैं बड़ा टाइम हमारा जो है वो स्कूल के बाद जो है वो शाहनूर और बारू स्टूडियो में गुजरता था तो वो एक वो उनसीयत सी तो थी अब जाके ज़रा थोड़ा सा जो है वो बहुत सारे स्टेज हैं लाहौर अलहमरा में या यहाँ आर्ट्स काउंसिल का चूँकि हम मेम्बर हूँ आर्ट्स काउंसिल का तो उसके हवाले से शोबिज़ के लोगों के साथ भी एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है वास्ता है फिर जहाँ सरमायादार आदमी तो देखते हैं कि कहाँ कुछ लगना है तो वो ठीक है अच्छा फिर थिएटर वगैरह लगवाते हैं ड्रामे शामे करवाते हैं अच्छा माशाल्लाह कितने कर चुके हैं कितने अभी करने हैं ये तो याद नहीं है कितने कर चुके हैं कितने करवा चुके हैं माशाल्लाह कितने सक्सेसफुल हुए फीडबैक कैसा आया मतलब मजा आ रहा है इस फील्ड में हाँ वो रौनक तो है तो अच्छा ये रौनक सेहत पे बड़ा मतलब असरअंदाज होती है रौनक से बंदा फिटफाट रहता है ये और नहीं वो मेरे उस्ताद साहब जो है ना वो कहा करते थे कि जो दोस्तों की गैदरिंग होती है कुछ लोग जो है उनके पास बैठ के आप रोना सीखते हैं
और कुछ लोगों के पास बैठकर आप रोते रोते हंसना सीखते हैं। किन के पास मसले का हल निकल आता है भाई, ये तुम्हारे लिए उन महफिलों में बैठा करो कि जो आपको जिंदा रहने का हुनर सिखा दे। सही सही सही। जो इंसान अपने लिए अच्छी तरीके से जी सकता है वो दूसरों की जिंदगी के लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाल सकता है। लेकिन सर अगर कोई जीना चाहे और दूसरा उसके ऊपर मुसल्लत हुए जाए तो वो इंसान क्या करे, उसके लिए भी थोड़ी राय बताएं मुझे। नहीं कंडीशन थोड़ी सी मतलब देखें जी इधर चेंज है। अल्लाह अल्लाह ताला ने चूंकि आप ये देखें ना कि परवरदिगार का एक निजाम है, दुआई कर सकते हैं, इंसान को जो है अशरफुल मखलूकात बनाया है। सही सही। अच्छा फिर उस अशरफुल मखलूकात को रिश्तों में तकसीम कर दिया गया। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है पूरी दुनिया की नहीं सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो जो सबसे औरत को सबसे ज्यादा दबाया जाता है रिश्तों के नाम रख रिश्तों के नाम रख रख के। देखिए ना उसकी बुनियादी वजह है कि इस्लाम आपको सिखाता है कि आप बेटे को 1 रुपया दें और बेटी को 8 आने दें। हाँ। अच्छा फिर रुपया बेटी का भी बनता है कि वो माँ बाप की तरफ से भी बेटी को जो है वो 8 आने मिलने चाहिए, फिर जब ससुराल में जाए तो 8 आने वहां से मिलने चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जुल्म ये है कि माँ का हक अदा नहीं होता जमीन पे। सही बात है। वरासत में बेटियों का हक अदा नहीं होता, बीवियों का हक अदा नहीं होता, भाई बहन और माँ बाप जब बेटियों के सर से गुजर जाते हैं तो फिर भाइयों की धमकी होती है कि वरासत ले ली तो फिर दरवाजे पे नहीं आना। सही हाँ। बात है। तो इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए कि जब किसी भी बच्ची की जब शादी हो तो उसके निकाह नामे में उसकी वरासत जो है वो लिख के दीजिए। और मैंने प्रैक्टिकल किया है। सही। मैं 2 बेटियों की मैंने शादी की है तो शादियों के टाइम ही उनकी जो वरासत बनती थी उनको। ये वालिद का काम है, वालिद का काम है। लोगों की फिर पार्टी होती है, शादी रिश्तों पे नहीं चलती, शर्तों पे नहीं चलती, शर्तों के रिश्ते ज्यादा नहीं चलते, रिश्ते एहसास के होते हैं जी। हाँ। दुनिया में कोई भी रिश्ता है चाहे वो इंसान का इंसान से हो या इंसान का हैवान से हो। सही बात। जो जिससे लोग देख के डरते हैं जब आप भी उसका एहसास करते हैं उसकी भूख का उसकी प्यास का तो वो दरिंदा भी जो है आप पे हमला नहीं करता है। आप मतलब देखें शेर से लोग डरते हैं मगर कई लोग ऐसे हैं कि जो शेर की खिदमत करते हैं शेर के साथ। जानवर जानवर होता है, कभी हमला तो करता है। देखें दरिंदगी तो फिर अगर इंसान के अंदर की देखी जाए तो इससे बड़ा अशरफुल मखलूकात भी कोई नहीं और इससे बड़ा गुमराह भी कोई नहीं। सही। तो ये रहमान का बना रहे तो ठीक है और जहाँ शैतान की सिफत में चला जाए तो इससे बड़ा दरिंदा भी कोई नहीं। सही बात है। ये तो मतलब हम हैं कहते हैं ना जानवर है उसको आप सिखाते हैं, तोता है उसकी जबान तो सिंधी या पंजाबी या उर्दू नहीं है जो मगर जब आप उसको सिखाते हैं तो वो सिंधी भी बोलता है पंजाबी भी बोलता है तो रिश्ता एहसास ये तो चलो अच्छे और बुरे इंसानों की बातें हो गई। मुझे अब जब बात आप आई गए हैं तो मुझे ये बताएं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ आपकी मुलाकात भी हुई होगी जी, तो कुछ उनकी मुलाकातें हमारे साथ शेयर करें ताकि हम मेरे लिए तो देखिए ना जी मेरे लिए ये एजाज रहा है कि मेरे से जो बड़े भाई हैं उनका नाम है नवाज खान। अच्छा। तो चूंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, मीर मुर्तजा साहब के साथ रहे, अल्लाह पाक उनको गरीके रहमत करे सही, और उसके साथ बीबी शहीद रानी के साथ वो रहे वो, और उनको ये एजाज हासिल है कि बीबी ने जो है उनको खिताब दिया था शाहनवाज का। अच्छा, आप नवाज खान नहीं है मेरे शाहनवाज हैं आप। वाह वाह। मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू कर दूंगी, बस जब ज्यादा मेरी दिलचस्पी वाली बातें होती ना तो ब्रेक का टाइम हो जाता है। खैर नाजरीन असालों तक नंढड़े कमर्शियल ब्रेक की तरफ इलाही खास गालियों थी रही हूं असल प्रोग्राम के दिसंदा रहो पर असा हलंदा सिकड़े ब्रेक की तरफ ब्रेक हां पोए जल्द वापस आ चो दिसंदा रहो पांजो प्रोग्राम सलाम से शहानी है मन झूठे पैगाम मुझे सुन के सलाम सलाम सुन शहानी है मन झूठे पैगाम मुझे सुन के सलाम सलाम सुन। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफो बीहर भली कार कंदस तव्हांखे सिंध टीवी जो प्रोग्राम सलाम सिंध में। ऐं मां तव्हांखे अॼु बि ॿुधाईंदी न तव्हां इहे नोट बि कंदा हूंदव त इशाद इलाही घटि ॻाल्हाए रहिया आहिनि छो जे करे इन्हनि खे डॉक्टर रेस्ट जो चयो आहे त मां बि हिननि खे थोरो रिलीफ ॾेई रही आहियां त भली थोरो आराम कनि। ऐं मां हाणे चंद साल मुंहिंजी बीमारी सभ खां वधीक ख़ुशी हिनखे मूंखे यस मूंखे हाणे मुंहिंजी हिन पोस्ट ते अची वई माण्हू तो इशाद के लिए ख़ुशि और इहो उहो बीमार मूंखे त इहो अंदाज़ो हुयो त मां चयो अलाए मूं त ई ख़बर खां पोइ अञा वधीक ख़ुशि थी हूंदी हाणे किली हूंदमि मां पर मां सोचियो हुयो त अॼु इशाद रेस्ट ते हूंदो मां हिनखे
मुझे कॉल करे पूछे तो वहां शायद कैसी तबीयत है, पर बेचारा मेरे सामने ही आ गया, मैं आते ही मेरे को तुम क्यों आ गए, क्यों आए हो अल्लाह जो मौजूदा यार तुम तो छुट्टी करी थी आज। खैर असल में मजा आता है खुशी तनी दे ना शाहनवाज कहते थे क्या कहते थे वहीं से आप स्टार्ट हो जी वो आपने नाम रखा शहीद रानी बेनजीर भुट्टो के अलग बात उनकी कुछ शहीद रानी जो है ना देखें पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री आप उठा के देखें ना तो एक चीज तो कि कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो अगर चाहते जी तो निकल सकते हाँ, हाँ, मगर उन्होंने अपने नजरिए अपनी गैरत अपनी इज्जत और सिंध धरती का सपूत होने के साथ साथ उन्होंने किस जालिम के सामने सर नहीं झुकाया, अपना जान का नजराना भी दे दिया। और उसके बाद फिर शहीद रानी बेनजीर भुट्टो पे आ जाएं आप तो उसने ये वस्त एशिया का तो ये कल्चर ही नहीं है ना जी, वस्त एशिया का कल्चर इंदिरा गांधी ने दिखाया, उसको अल्लाह का दिया सब कुछ था, बाहर रहती तो कोई मसला नहीं था। हसीना वाजिद इस वक्त बांग्लादेश में और खालदा जिया, मतलब एशिया के इस कल्चर में शहीद रानी बेनजीर भुट्टो ने यह साबित किया कि वो वाकई बेनजीर थी, वो हजारों बेटों से, हजारों बेटे हो ना जी, हजारों बेटे एक जगह और वो एक जगह, हजारों बेटे हो, हजार नहीं हजारों बेटे हो, जिसको जिस शहीद हम जितने भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी के पीपल्स पार्टी के जितने भी जाले हैं ये भाई हैं शहीद रानी बेनजीर भुट्टो के, चाहे वो उम्र में उससे बड़े हों या छोटे हों। और उसने साबित किया कि जिसकी सियासत जो है बाप की फांसी से शुरू हो वहां बड़े बड़े जो दलेर लोग होते हैं उनके कदम भी डगमगा जाते हैं, वो भी खौफजदा हो जाते हैं। उस बेनजीर ने साबित किया कि वो वाकई शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी है। और फिर आप ये देखें ना कारसाज का वाकया हुआ है, सही हम यहां थे, अगले दिन वो अपने वर्करों के दरमियान थी, देखें हाँ ये देखिए आप सबसे बड़ी बात, फिर जब आई हैं तो उनको थ्रेड था कि आपके साथ कोई ना कोई सानेहा हो सकता है, सानेहा कारसाज से बड़ा सानेहा तो नहीं था, मगर वो फिर भी उस शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का अपने वर्कर के साथ जो कमिटमेंट थी, जो शहीद रानी बेनजीर भुट्टो की अपने वर्कर के साथ कमिटमेंट थी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी की अपने वर्कर के साथ कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट आपको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं मिलेगी। और भुट्टो आज भी देखें ना गिलगित बल्तिस्तान के लोग अभी जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वहां पर वोट लिया है, उसकी बुनियादी वजह कि लोग आज भी भुट्टो को चाहते हैं, आज भी भुट्टो के नजरिए से प्यार करते हैं। उसने शऊर दिया, निचले तबके को शऊर दिया, आवाज दी। उससे पहले तो हमेशा मतलब यहां पर आवाज जो है उसको दबाता गया, यहां पर तो सवाल करने वाला पसंद ही नहीं है ना किसी को। अच्छा सवाल साहब आप बताएंगे पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, क्योंकि कोविड में है बिलावल भुट्टो जरदारी भी और ये जलसे जो प्लान किया हुआ था वो पूरा सिलसिला होगा नहीं होगा कोरोना की सब वबाई सूरत। देखिए जी अल्लाह ताला पर ये दूसरा स्पेल तो काफी डेंजरस साबित हो रहा है, क्योंकि जो पहला स्पेल था उसमें पाकिस्तान में और खसूसन मुराद अली शाह साहब ने जो है सिंध में जो इकदामात उठाए उसकी तारीफ जो है बैन अल-अक़वामी मीडिया ने भी की कि सिंध ने सबसे बेहतर इकदामात जो है वो उठाए, और फिर उसको देखा देखी जो है वो बुज़दार साहब ने पंजाब में भी और फिर केपीके में भी और बलूचिस्तान में भी। मगर ये जो स्पेल है ये सर्दी के मौसम में आ गया, सर्दी तकरीबन जब कराची में लोग स्वेटर सियासी माहौल गर्म था तो यहाँ पर सर्दियां आ गई, सर्दियां आ गई। और ये जो दूसरा स्पेल है जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती और पाकिस्तान तक तो आते आते क्योंकि इस गवर्नमेंट की अपनी कमजोरियां हैं, खान साहब जो हैं ये अगर कोरोना आए हुए भी काफी टाइम हो गया है मगर आपको वैक्सीन मिलनी है 5 से 6 महीने के बाद। अब ये 5-6 महीने के अंदर जो है वो अल्लाह तबारक व ताला सबके सरों की सलामती रखे, पूरे आलम के लोगों की, मतलब ये सिर्फ किसी एक मजहब की तकलीफ नहीं है, ये तमाम मजाहिब की तकलीफ है और तमाम नूह इंसानियत की
जो है वो तकलीफ है। अल्लाह पाक इससे सबको महफूज रखे और इसके ऊपर फैसला जो है वो देखे ना, तो खुद चेयरमैन साहब जो है वो इससे मुतासर हुए हैं, जो बड़े फैसला करेंगे हम लोगों ने तो उसको फॉलो कर रहे हैं, मगर अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ ये दौर ये वक्त आप उठते बैठते हैं पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो इस वजह से पूछ रहा हूँ कि क्या फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, क्योंकि टफ टाइम किस तरह से अब दिया जाएगा, क्योंकि ये जो जुलूस तो और ये एहतजाज जो धरने तो रहे मतलब कोरोना की वजह से करने को, वो तो देखे ना बहुत सारी चीजें ऐसी, जब आपने क्या स्ट्रेटजी क्या है लॉकडाउन शुरू किया उस वक्त स्कूल्स बंद हो गए, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, इसी तरह अभी और कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो ये एजाज हासिल है कि ये अवाम की पार्टी है, सही, तो जो अवाम के मुफाद में होगा बड़ों ने वही फैसला करना है, और हमें यकीन है कि अवाम की तकलीफ को देखते हुए जो भी चीजें होंगी वो सही सही प्लेटफॉर्म फिलहाल सुकून ही सुकून है, सुकून इस पुर आशोब माहौल में सुकून का। अच्छा सुकून के वाले से याद आया कि सुकून एक ट्रस्ट भी है कोई बच्चों दारुल सुकून, दारुल सुकून, दारुल सुकून उसमें भी आप माशाल्लाह जी 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 फाल रहते हैं अपना किरदार अदा करते हैं, तो किस नजरिए से बनाया गया है, क्या होता है वहाँ पर, किस तरह से नेकी और भलाई काम हो रहा है वहाँ पर, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। दारुल सुकून जो है जी उसको मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर साहब भी और खुद जो है वो हमारे चेयरमैन साहब भी, ये कश्मीर रोड पे वाक़ है दारुल सुकून, इसके अंदर जो है ये जो पैरालाइज बच्चे होते हैं जो उनकी देखभाल करना जो है वो कई ऐसे बच्चे हैं कि जिनको कचरों के ढेर से उठाकर जो है उन बच्चों की परवरिश की जाती है, और वो सिस्टर रूथ थी, आज वो दुनिया में नहीं है, श्रीलंका से आई थी, एक सिस्टर माउथ थी जिनको मतलब एजाज भी मिला जो कोड के मर्ज के मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में, तो उस इदारे के अंदर जो है उन बच्चों की तरबियत की जाती है। इस पे बात करते हैं मजीद जी, कॉल हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई कैसे आप जी? हेलो अस्सलाम भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहा है जी? मैं उरूस बात कर रही हूँ, पहले भी मैंने कॉल की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, उरूस कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप भी कैसी हैं? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कैसी हो उरूस, ठीक हो, आपकी तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ही मैं कब से कॉल लगा रही हूँ, मेरा कॉल लग रहा, पता नहीं क्यों नंबर ही नहीं लग रहा। अब तो लग गया ना, अब तो देखो प्रोग्राम में शामिल भी हो गई हो, प्रोग्राम देख भी रही हूँ इस वक्त। जी हाँ आप ही देख रही हो, जब स्कूल जाती थी ना फिर नहीं देखती थी, अभी छुट्टियाँ मिले हैं ना तो आप देखती हूँ। चलो चलो ये भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हो, अपनी प्यारी सी क्यूट सी सुबह सुबह में कोयल जैसी अपनी आवाज सुनाती हो। पानी गाल के होते हैं गुफ्तगू पानी कंटिन्यू करना सी जी, सर सुकून की बात चल रही थी। हाँ तो उस इदारे में मतलब बहुत सारे बच्चे जो है वो अल्लाह पाक ने किया ठीक हो गए, सही सही, और फिर माशरे का अलमिया ये है ना कि इस किस्म का कोई बेटी या बेटा माँ के लिए तो मतलब आपका माँ का रिश्ता पांव के नीचे जन्नत किस लिए कि दुनिया से 9 महीने पहले रिश्ता माँ का हो, सही सही सही, दुनिया से 9 महीने ज्यादा रिश्ता माँ का हो, और जब घरों में इस किस्म के बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं तो फिर इस माशरे का अलमिया है कि ये माशरा एक्सेप्ट नहीं करता, वहां पर उन घरों में फिर बच्चियों की शादियां नहीं होती हैं कि जी इनके घर में मतलब ये, जबकि मजलूम जो होता है वो फकीर और दरवेश के बहुत करीब होता है। सही सही बात है, तो लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं, फिर कई लोग जो है खुद छोड़ के चले जाते हैं, कई लोग फेंक के चले जाते हैं, तो ये एक इदारा है, ये इदारा उन बच्चों को अडॉप्ट करता है और यहाँ मतलब देखभाल अच्छे तरीके से हो रही है, और उसमें उसकी तालीम तालीम पर भी सेहत पर भी थोड़ा तालीम पर भी उनकी सेहत पर भी उनको मतलब बड़ी अच्छे तरीके से घरेलू माहौल दिया हुआ है। मतलब कभी जाएंगे आपकी वो दारुल सुकून वाकई आपको एक सुकून कल्प महसूस होगा कि यार ऐसे भी लोग हैं
सही सही। अच्छा समझ साहब मुझे ये बताएं, जो बच्चे ठीक हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं तो फिर वो कहाँ जाते हैं? वो उसी इदारे में उनके साथ अटैच हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा आप इदारे के काउंटर से शुरू हो जाएं तो फिर वो बच्चे उसी के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं, वही जॉब करते हैं, वो इस इदारे की खिदमत करते हैं। सही सही। और इसमें शोबिज के लोगों का बड़ा किरदार होता है वहाँ, मतलब आपके जितने बड़े स्टार्स हैं वो सब वहाँ पर आते हैं, बड़े उस मतलब इदारे को वो काम नजर आता है। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे ख्याल है जी 250-300 बच्चा है, फिर एक ओल्ड होम है। अच्छा, ओल्ड होम के साथ में जी, एक ओल्ड होम है ये कायद आजम के मजार के सामने, उसके अंदर बहुत सारे आपके ऐसे लोग हैं, बड़े नामवर लोग हैं के जो मतलब उनके बच्चों ने उनको घर से निकाला और वो उन इदारों में पढ़े। जब नाफरमान औलादें जब निकाल लेती हैं, अखलाकी तौर पर दिवालिया हो जाता है, रिश्तों की कदरें खत्म हो जाती हैं, बुजुर्गों की घर में इज्जत नहीं होती है, तो फिर माशरा जो है वो नुकसान में जाता है। और आज हम जिस नुकसान में, देखे ना, घर का कोई बड़ा होता है, आप काम के लिए निकलते हैं तो आपकी वापसी तक माँ हो, नानी हो, दादी हो, कोई बुजुर्ग हो, तो उसकी नजरें जो है वो दरवाजे पे लगी रहती हैं, कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरी बेटी आएगी, कब मेरा दामाद आएगा। तो ये जो बड़े रिश्ते होते हैं, जिन घरों में इन रिश्तों की इज्जत और तकरीम की जाती है, इन रिश्तों का एहसास किया जाता है, अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है उस घर पे। सही सही। सवाल साहब, पहले माजी करीब की बात कर लें तो ये बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा जाता था, नसीहतें सुना करते थे, कुछ सबक मिल जाता था, लेकिन आजकल वो मोहब्बतें नहीं रही वैसे ही, और कोई अपनी अपनी मतलब दुनिया में खोया हुआ है, तो क्या समझते हैं कि वापस वो दिन कैसे लाए जा सकते हैं? तरबियत है जी आपको। देखिए, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं आपको बात बताऊँ ना कि तालीम मेरे पास नहीं है इतनी। अच्छा, 8-9 क्लास मैंने पढ़ी है, तालीम नहीं है, मगर जिन लोगों के साथ बैठे हैं तो उन लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिला। मतलब चूंकि पठान फैमिली से ताल्लुक है, कबायली किस्म के लोग हैं, जिन चीजों को हम नहीं समझते थे वो अच्छी अच्छी सोच में अच्छे लोगों में बैठकर वो हमें सीखने को मिल गई। सही। जहेज नहीं लेना है ये तय किया आज से 3-4 साल पहले सारे भाइयों ने बैठ के। सही सही। के किसी की भी बच्ची ब्याह के लानी है उसके साथ एक जानवाज एक कुरान होना चाहिए। सही सही। एक आदमी आपको अपनी बेटी भी दे और फिर वो आपका घर भी भरे, क्यों? सही सही। ज्यास्ती है जहेज पे, जहेज की लानत से छुटकारा भाई। फिर ये तय किया कि बेटों से पहले जो है बेटियों का हक अदा करें, तो प्रैक्टिकल खुद किया पहले। सही सही। तो उसके बाद फिर कोई भी अच्छी चीज आप अपनाए ना जी, तो फिर वो सिर्फ आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए। चराग वो नहीं है कि जो आपके घर में जले। सही। आपके हाथ का जला हुआ चराग जो है दूसरे के घर में जब वो जलता है तो वो अशफाक अहमद साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, एक बड़ा नाम थे पाकिस्तान का, जाविया उनकी किताब है, तो वो एक बात कहते थे कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे ही घर में चराग जले। और दीन बुनियादी तौर पर आपको ये सिखाता है। सही। आपके पड़ोस के जितनी वही पड़ोसी के लिए आई, एक वक्त में ऐसा आया कि सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पड़ोसी कहीं आप विरासत में ना शामिल हो जाए। ऐसा होने भी वाला था। आज आप देख लें कि और आज हमारे माशरे का अलमिया ये देख लें कि कईयों के दस्तरखानों से जो है वो कचरा कुंडी में रिस्क चला जाता है। हाँ, और पड़ोसी भूखा रहता है। सर, इस टॉपिक पे भी मैं आपसे बड़ी लंबी चौड़ी तफसील करूंगी, क्यों ना आप एक गाना हो जाए, थोड़ी मूड चेंज हो जाएगा, थोड़ी तफरी हो जाएगी, इस तरीके रूह की गजा हो जाएगी। जी बिल्कुल, रूह की थोड़ी गजा, हमारी रूह की जरूरत पड़ गई भाई, कुछ खाए। सर जी, मोहरम ना साहब कुछ सुना दे आप, कोई प्यारा सा गाना। जी, जुमे जो मुबारक दिन आए। जी बिल्कुल, अल्लाह जी जिक्र सा। हाँ बुधायो। Allah
कर माफ़ मुखे मुझा खुदा नाया तो खा जुदा कर माफ़ मुखे मुझा खुदा नाया तो खा जुदा या अल्लाह 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 कर माफ़ मुखे मुझा खुदा नाया तो खा जुदा कर माफ़ मुखे मुझा खुदा नाया तो खा जुदा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बंदो तू जो गुनहगार आया या अल्लाह 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 कर माफ मुखे खुदा नाया तो खा जुदा कर माफ़ मुखे मुझा खुदा नाया तो खा जुदा या वो खतादार आया आदम जी औलाद आया वो खतादार आया मां वो बदकार आया कर माफ़ मुखे मुझी खता खता कर माफ़ मुखे मुझी खता नाया तो खा जुदा या अल्लाह 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 या बख्श पाद गिचिए थो पाए तो दल पयो पादाए बख्श पाद गिचिए थो पाए बख्श पाद गिचिए थो पाए तो दल पयो पादाए कर राज पर जी
कर राज पर जी पूरी सदा नाया तो खा जुदा कर राज पर जी पूरी सदा नाया तो खा जुदा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह जुदा कर माफ मुखे मुझा खुदा ना हा तो खा जुदा या अल्लाह 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 वेलकम बैक नाज़रीन एक दफो बीहर भली कार कंदस तव्हांखे सिन टीवी जी खूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में गुफ्तगू असांजी जारी आहे। तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल करे शामिल बि थी सघो था ऐं जेकी सर्दी जी मौसम आहे सर्दी जी जेकी विंटर आहे जेकी वेदर हली रही आहे इन मौसम में बि कुझु जेके कुझु माण्हू जेका कलर फेयर हूंदो आहे उनजो ब्लैक थी वेंदो आहे जिन ब्लैक हूंदा आहिनि उनजा कलर साफ़ थियणु लॻंदो आहे। इहा स्किन जी पंहिंजी प्रॉब्लम हूंदी आहे पर जेकॾहिं हर मौसम में पाण खे फेयर ॾिसणु चाहिनि था उहे गिलो एंड लवली खे इस्तेमालु करे सघनि था। नाज़रीन खे ॿुधाईंदी हलां त 45 ईयर्स ओल्ड जेकी 45 साल पुराणी फेयर एंड लवली जो जेको नालो हुयो हाणे उनजो नालो चेंज थी वियो आहे उनजी पैकिंग बि चेंज थी वई आहे तब्दीली अची वई आहे तब्दीली आ नहीं रही तब्दीली आ गई तब्दीली इहा आई आहे त फेयर एंड लवली जो नालो हाणे चेंज थी वियो आहे गिलो एंड लवली में। जेकॾहिं तव्हां ॿाहिरि वञो था ऐं तव्हां फेयर एंड लवली खे ॻोल्हियो था त तव्हांखे ईज़ीली तव्हांखे चवंदो ठीकु आहे फेयर एंड लवली न आहे त तव्हां असांखे गिलो एंड लवली ॾेई छॾियो तव्हांखे ईज़ीली मिली वेंदी ऐं तव्हां उनखे इस्तेमालु कयो। वर्किंग वुमेन जे लाइ बि आहे घर माण्हुनि जे लाइ बि आहे जेंट्स जे लाइ बि आहे अॼुकल्ह जेके छोकिरा आहिनि पंहिंजी भेनरुनि जी पंहिंजी वाइफ जी पंहिंजी फ्रेंड्स जी क्रीम इलाही लिकी लिकी हलाए हणाई हणी रहंदा आहिनि ताकी असां बि उन्हनि जे मुक़ाबले में ख़ूबसूरत हुजऊं। ऐं मां सम्झां थी छोकिरियूं जे छोकिरो जे ॿिन्हिनि खे हिकु बराबरि हुजणु घुरिजे पंहिंजी क्रीम वठंदा कयो चवणु मक़सदु न इहो आहे लिकी लिकी असांजी अलमारी में जेके अलमारी जे मथां आहे पंहिंजे ड्रॉ में जेके छुप लिकाए रखंदा आहियूं उहे जेके न अहिड़ा माण्हू जेके क्रीम कढी ऐं तॾहिं बि यूज़ करे छॾींदा आहिनि ज़ोरी असां मां वटि इलाही इलाही मतिलबु क्रीम पयूं आहिनि सो गिलो एंड लवली जो गिलो एंड लवली बराबरि ज़बरदस्त आहे रंग कहिड़ो बि हुजे रंग में निखार आणणु चाहियो था रंग तव्हांजो सुठो जेकॾहिं हुजे चहिरो तव्हांजो शादाब हुजे चहिरो तव्हांजो महताब हुजे चहिरो तव्हांजो गुलाब हुजे त पोइ गिलो एंड लवली तव्हां लॻायो ऐं रिज़ल्ट तव्हां ॾिसो हीअं रिज़ल्ट आहे छो त थिए ईअं थो त पाण अक्सर कंहिं पार्टी शादी में जल्दी जल्दी तकिड़ा वञणा हूंदा आहियूं पोइ तकड़ि तकड़ि में हाणे असां वटि एतिरो टाइम ई न हूंदो हुयो पाण खे वेही सिंगारियूं आहिनि जे अॻियां सो अधिनि भेनरुनि जे लाइ भाइरनि जे लाइ सभिनी जे लाइ हिकिड़ो ई आहे हल त गिलो एंड लवली जेकॾहिं तव्हां वटि आहे पर्स में आहे दराज़ में आहे अलमारी में आहे किथे पियो आहे त उहा खणी करे तव्हां ॻोल्हे करे उहा लॻायो ऐं फौरी तौर ते रिज़ल्ट तव्हां ॾिसंदव त चहिरो तव्हांजो वाक़ई में फ्रेश फ्रेश नज़र ईंदो ऐं माण्हू तव्हांखे चवंदा यार तव्हां त बिल्कुलु ई फ्रेश थी आहियो हालांकि थींदो ईअं आहे त भले तव्हांखे उजागो हुजे भली तव्हां थकल हुजो पर चहिरो धोई करे जेकॾहिं उनखां पोइ गिलो एंड लवली लॻायो था त बिल्कुलु फ्रेश फ्रेश इरशाद कल्ह खां जेको हिनजी हेल्थ इज़ नॉट गुड बट गिलो एंड लवली लॻाई आहे तव्हांखे कीअं फ्रेश फ्रेश था लॻनि या रेगुलर वांगुरु जी डेली रूटीन असांजी हूंदी आहे बिल्कुलु इहो सॼो गिलो एंड लवली जो कमाल आहे गिलो एंड लवली तव्हां वठो क्रीम साॻी आहे फेयर एंड लवली उनजो नालो तब्दील थी वियो आहे 45 साल पुराणो हिकिड़ो तव्हांजो जेको आहे सो आज़माइल
खास तौर से फेयर एंड लवली जी शीदाई हैं फेयर एंड लवली के जी चाहिंदा उन्होंने बुधा तो नालो तब्दील थी है फेयर एंड लवली जो हाँ फेयर एंड लवली तक गिलो एंड लवली के नाले मिली बिल्कुल वर्किंग वूमेन के लिए भेनर बार जॉब से वन कुछ फैक्ट्री में वन कुछ ऑफिस अचन थी भी सुबह से ऑफिस इंदी आया तो असो जो अचान वन है डेली जी असि चेहरे से डस्ट अची वी है तो तुम गिलो एंड लवली जो इस्तेमाल रखो घर निकलो तेरे चेहरे से यूज कर निकलो जिथे जिथे तक स्टे मिले थी तुम समझो तो फेस वॉश करने जो टाइम मिली वो है तो फेस वॉश कर बीहर उनके अप्लाई कौ तो सजे ढी की पोल्यूशन है जी डस्ट है वह तेरे चेहरे से बिल्कुल भी असर को तुम कलर ढीों ढी फेयर रो पिंपल्स रिमूव थी वा तवे चेहरे से जी छाइयों हैं जी रिंकल्स हैं उ भी गायब थी वा गिलो एंड लवली की बी भी खास गाल है तुम जी जी इनके यूज कह रो ती चेहरे से एक बेरोनकी है मतलब तक पानी लग चेहरे की चमक खत्म थी हुई है जैसे तुम गिलो एंड लवली के बटे ढी यूज कौ तो ऑटोमेटिकली पानी फील थी तो मुझे स्किन जी सॉफ्ट मुलायम यमी एंड ग्लो ग्लो थी वही है वाह 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 माना एडी तारीफ कई सफा माना चेहरो यो दिसण वटा हुंदो ग्लो लवली वारो सवराल जकने वाकई ता खूबसूरत नजर अचन चाहो ता ए के महफिल में सबनी का अलग पाण के दिसराण चाहो ता मानु ता जकने तारीफ कन ए ता वट छी मिलन ए चवन ता गी ख वधिक सोनो थी तो चक्कर चाहे तो ग्लो एंड लवली चक्कर ही है ग्लो एंड लवली से ने चक्कर आए सो ग्लो एंड लवली इस्तेमाल कयो खूबसूरत रहो खूबसूरत मानु सबनी के वणंदा इन खूबसूरत मानु सा वेण हर को मानु पसंद भी कंदा हां हां छा गाल है मतलब ताम खूबसूरत चो थैंक यू सो मच मां ये चो तो खूबसूरत मानु ना ने जे ता समझो ता ठीक आ जी असा असि गुफ्तगु थी हुई सर सागर सर आप आप आपका भी चेहरा बड़ा शाइन करा आप भी ग्लो एंड लवली यूज करते हैं ये बताएं एक तो ये है कि जो बंदा वही लवली तो ग्लो तो ग्लो लगाने की जरूरत नहीं है पर भी ग्लो तो लगेगा भाई जी माँ चांद कहती थी तो हम खुद को चांद ही समझ रहे थे ये बात सही है माशाल्लाह से सवादी साहब पाकिस्तान में टैलेंट मतलब ज्यादा ही है मतलब अच्छा टैलेंट है और आपने आफियर एक अच्छी बात कही कि गोदड़ी में लाल होते हैं तो न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं आप मतलब अपने हवाले से कोशिश की है देखिए मेरा अपना जो जिंदगी का एक अमल रहा है तालीम की तशनगी थी अपने अंदर में नहीं कर सके फिर अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों ने अच्छी तालीम की कराची यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं बेटियां भी बच्चों ने तालीम अच्छी हासिल फिर मतलब ऐसे बच्चे हैं कि जिनको सपोर्ट किया और आज अच्छी पोजीशनों में बैठे हुए हैं सही सही तालीम के शोबे में काम किया है अच्छा किया है आज भी कई बच्चे हैं मतलब जो मेरा हलका था जहाँ से मुंतखब हुआ तो वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल थे उसमें 10% जो बच्चे होते थे वो फ्री ऑफ कास्ट वो पढ़ाते थे ये बड़ी अच्छी बात है उनकी यूनिफॉर्म और बुक्स जो थी वो हम अपनी जात से किसी को फायदा पहुंचाना ये सबसे बड़ा अहम काम आप आए किस लिए सही बात है सही बात है अपने लिए जीने के लिए नहीं आए भाई ना हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसको रहमतुल लिल आलमीन बना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो जिस दिल के अंदर रहम नहीं है जिस दिल के अंदर एहसास नहीं है उसका आना और ना आना उसकी जिंदगी ऐसी है जैसे एक मच्छर आया और गया अच्छा सर अभी हमारे जो है ना कल्चर्स डेज आने वाले तो आपका पीपल्स कल्चर्स की विंग्स के हिसाब से कोई आप वाबस्ता है आपका कुछ है इस चीज में कोई इंटरेस्ट वगैरह देखें जी हमारे लिए तो सिंध कल्चर डे हो तो लाहौर में भी मनाता हूँ क्या बात है अच्छा फिर पंजाब का कल्चर डे हो पख्तून कल्चर डे हो कोई ये जो मादरी जबान होती है ना जी, जी। ये माँ की तरह होती है जैसे माँ से मोहब्बत होती है सही। इस तरह अपनी मादरी जबान से मोहब्बत होती बिल्कुल। है अच्छा दुनिया में जो अपनी माँ को इज्जत देगा अपनी माँ का एहतराम करेगा अपनी माँ की खिदमत करेगा अपनी माँ की ताजीम करेगा वो दूसरे की माँ की भी ताजीम करेगा, ये बात हकीकत है, सही बात। तो ये जो मादरी जबाने हैं ना ये इस मुल्क का गुलदस्ता है इस मुल्क के अंदर जो है 172 जबाने बोली जाती हैं सही हर 5 किलोमीटर के बाद 6 किलोमीटर के बाद आपके लैंग्वेज तब्दील होना शुरू हो जाती है इस लैंग्वेज की बात को मैं आपको यहीं से कंटिन्यू करूंगी एक कॉल हमारे साथ है हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी छा नालो आए किथा कॉल किया
मैं अब्दुल वाहिद बारी जी भटाई मस्जिद का जी कैसा गलत पसंद करो छा चवण चाहिए सर जागीरानी जको कल त हलाई सोशल मीडिया ते गल जी जी खबर न केतरी मोबाइल ते थी गल खबर न छा वो स पाण ठो वही काम कंफर्म कर बुदाय तो आराम कर रही हो रेस्ट के हुई जी 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 भाई अल्लाह खैर 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 देत करे बिल्कुल रखे बिल्कुल खैरियत से आया ताने सामू है वा अल्लाह सही जो करम है ताने जो प्रोग्राम भलो डाडो ले मजेदार प्रोग्राम जबरदस्त सही बड़ी मेहरबानी लखतोरा बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम में शामिल करने के लिए जी सर तो सिंध को तो वैसे ही बहुत बड़े एजाज हासिल है इसे बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है सही और तहरीक पाकिस्तान की जो पहली असेंबली में तहरीक पेश की गई थी वो सिंध की और सूफिया की धरती है फुकरा की धरती है कलंदरों की धरती है बड़ा वसी दिल है सही और मैं जाती हैसियत में जब 1984 में मैं यहाँ इस कराची में आया था तो मेरे पास इतना नहीं था सही मेहनत की आपने इतना हाँ स्ट्रगल किया अच्छा सर भूख का भी एहसास है प्यास का भी एहसास है भूख का भी एहसास है ये होता है इंसान पहले गुटरे अपने पेट की तरफ ही मोड़ता फिर है इस धरती माँ ने सिंध धरती माँ ने बहुत कुछ दिया मेहनत की और आज जो जो अपने घर के लिए और जो बहुत से घरों के लिए करता हूँ वो सब कुछ अल्लाह पाक ने दिया हुआ है मेरे माँ बाप की दुआओं के सदके मेरे बुजुर्गों के मेरे बहन भाइयों के दोस्त अहबाब के दुआओं के सदके और इस मिट्टी के सदके अल्लाह पाक ने मैं अक्सर तो लोगों से एक सवाल करती हूँ लेकिन मुझे उनके जवाब से अब आज तक सर्टिफिकेशन नहीं हुई है सेटिस्फाई नहीं होती हूँ कि अक्सर तो लोग ये कहते हैं कि मेहनत और स्ट्रगल से सारी चीज़ें हो जाती हैं कुछ लोग मेहनत इतनी करते हैं कि उम्र पूरी हो जाती है कुछ लोगों को मेहनत थोड़ी सी करते तो उनको तरक्कियाँ मिल जाती फिर वो हो जाती है कि किस्मत की बात है आप मुझे बताइए खेल किस चीज़ का है आज भी आप दिमाग का खेल है ये अल्लाह से नहीं अल्लाह से जब भी मांगे नसीब मांगे सर अल्लाह से जब भी मांगे उसकी उसकी नसीब कुछ लोग कहते हैं नसीब अपना खुद नहीं, बनाते नहीं, वो उसको वो क्या कहते हैं कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल हाँ। बहुत से लोग एक कदम चलते हैं मंजिल पर मंजिल मिल जाती है बिल्कुल और कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा बहुत सारे लोग जो होते हैं ये जिंदगी के हर शोबे में नहीं मिल पाता जिंदगी के हर शोबे में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं सारी जिंदगी जो है वो उनकी हाँ। वो हीरो के पीछे गुजर जाती है सही सही वो हीरो से ज्यादा बड़े हीरो होते हैं हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मगर वो वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज्यादा नहीं ये कुदरत का कानून है सही और फिर हम ये या तो मौके उनको मिलते हैं वो जाया कर देते हैं ये भी बात कभी कभार हाँ, सामने आ जाती है खुदा चांस देता है सबको हाँ, भाई और फिर इसके ऊपर आपको लगता है इसके ऊपर जो सबसे बड़ी बात है ना हर किसी की बारी आती है मौला अली का कॉल है मौला अली का कॉल है कि दुनिया में यतीम वो नहीं कि जिसके माँ बाप नहीं दुनिया में यतीम वो है कि जिसके अच्छे दोस्त नहीं दुनिया में मुफलिस वो नहीं कि जिसके पास दौलत नहीं है दुनिया में मुफलिस वो है कि जिसके पास अच्छे दोस्त नहीं है तो मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब आदमी हूँ कि मेरी क्लास वन का दोस्त बचपन का भी और पचपन का भी हम एक साथ बैठे हुए तो ये सेहत का राज भी यही है हकीकत ही है अल्हम्दुलिल्लाह जी क्योंकि अगर आप बैठते हैं गप्पे शप्पे लगाते हैं थोड़ी सी परेशानी चली जाती है थोड़े से मसाइल हल भी हो जाते हैं जी बस वो मूड पे होता है फिर दुनिया के मतलब जब आपकी आप पोते हैं मेरा पोता है तलहा मेरा नवासा है अयान मेरी नवासी है सबके नाम याद है हाँ, तो अब इन बच्चों के साथ अब जब घूमते फिरते हैं ना तो खुद को बच्चा समझते हैं अभी तो पैदा हुए अभी अभी हमारा शिनाती कार्ड बनना है तो ये एनर्जी है आपकी सही सही आप जब शरारतें देख के उनसे खेलते हुए तो पूरा वो फील होता है बचपन अपना उस रब कायनात ने हमारे अमल से कहीं ज्यादा दे दिया जो मांगा वो भी दिया
जो मांगते हुए डर लगता था वो उसने वो भी दे दिया। दिल की ख्वाहिश थी, अल्लाह तो ख्वाहिश जानता है दिल की। आज रब मेरा, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि मेरा रब मुझसे कहना कि अब बता तुझे क्या चाहिए। सर ये बचपन है और बचपन और बचपन को भी के लिए भी कुछ नहीं रहा। मैं करूँगी आगे गुफ्तगू, मेरे तो सवाल खत्म ही नहीं होते मेरे साथ। बार बार ये कहती हूँ मेरे बहुत सारे सवाल है, तुम नहीं बोलना। पर खैर नाजरीन, गुफ्तगू वाली रही है कि गुफ्तगू की तमाम एंजॉय की और अंदाजी कड़ी कमर्शियल ब्रेक की तरफ ब्रेक आप जल्द वापस आ चाहूँ। डिसंदर पांच प्रोग्राम सलाम से शहानी है मन झूठे पैगाम मुझे सिंह के सलाम सलाम सुन शहानी है मन झूठे पैगाम मुझे सिंह के सलाम सलाम सुन। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा बीहर भली कार कंदस पांजर प्रोग्राम सलाम सिंध में गुफ्तगू हली रही है। सानी चांद साहब असन चांद जेब साहब जेब भी चई सको था बट इन जा नाला है, नाला चंदो मुझे नालो इलाही वडो है तवा उनके डिस्ट्रीब्यूट करे सको। अच्छा चांद जेब साहब मुझे ये बताएं, सियासत के अलावा सेहत में भी शौक रखते हैं, घूमने फिरने का शौक है, जाते हैं बहुत कहां घूमे, किस किस को घुमाते हैं भाई, किस किस को लेके जाते हैं, सारी बात बता दें। मैं खुद मतलब ड्राइव करता हूं, मैं दोस्त ऐसे बैठे होते हैं, बाजुकात ऐसा होता है रात 1-2 बजे बैठे हैं, यार मरी चले चलो। अच्छा रात को 2 बजे मरी चले रात, हाँ ऐसे दोस्त बैठे हैं। वाकई में ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं भाई। बाजुकात ऐसा होता था कि मतलब हम यहाँ दरगाह पे बैठे होते थे तो यार भिड़शा चले तो चलो, ये डू एंड डाई वाले ऑन द स्पॉट फैसला करना। आपको आपके फैसले जो है वो एक मिनट के लिए आप ये सोचे कि जो मैं फैसला कर रहा हूँ किसी के साथ जुल्म या ज्यादती तो नहीं हो रही। सही सही सही। और आप ये सियाहत ऐसी चीज है, मतलब मेरी इस दफा सालगिरह थी तो बच्चों ने कहा सालगिरह का मैंने मरी करनी है बंदरों के साथ करनी है। सही वाह वाह सही सही। मैंने कहा बंदरों के साथ सालगिरह करूंगा, मंकीज के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है। वहां गए तो वो मकई के सिट्टे जो बोरियां वगैरह गाड़ी वगैरह में डाली तो वो चले गए। आप पिक्स में आपको दिखाऊं तो बंदर ही बंदर आ गए होंगे, बिल्कुल बंदर ही बंदर है, मैं बीच में बैठा हूँ। बंदर सोच रहे ये कौन है के काट गए के काटा वो बंदरों के साथ, वो सारी दुनिया देख रही है यार इस बाबे को क्या हुआ पड़ा है, क्या सेलिब्रेशन हो रही है। वो छोटे और बड़े तो सर डर भी लगता है, मतलब वहाँ के मंकीज ऐसे होते हैं आप पे अटैक भी कर सकते हैं। मैं भी लास्ट ईयर गई थी। प्यार करें आप, प्यार के बदले प्यार नहीं भाई, उनको नहीं भी तो वो हाथों से छीन के ले जाते हैं। मैं भाग रही थी वो मेरे पीछे भाग रहे थे छीनने के लिए, ऐसे बैठा हूँ ऐसे बांट रहा हूँ, वो इतने अदब से ले रहे हैं, प्यार से दे रहे थे तो ले रहे थे ना। मैं भाग रही हूँ वो मेरे पीछे भाग रहे हैं छीनने के लिए। जब आप भागेंगे भागने से तो सर अपने चक्कर में पड़ गया, मैं चीज क्यों दूं किसी को खाने के लिए। आप देखती होंगी अगर कोई रास्ते में, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आउटिंग होनी चाहिए आपको फ्रेश रहने के लिए, दोस्तों की महफिल और आउटिंग सफर। चाहे ये नहीं है कि बहुत बड़ा एहतमाम करें आप, सही सही ऐसा नहीं है आप। और जब मैं इससे पहले भी जिस वक्त इतना कुछ नहीं था तो मेरी एक रूटीन होती थी कि मतलब हफ्ते में 1-2 दिन इधर निकल गए सदर घूम रहे हैं। सर ने आउटिंग की बात करके ना मुझे ना वो बिल्कुल ही वो लगे, मैं माल रोड पे चली गई, मैं वहाँ पे नए कश्मीर की पहाड़ी पे चली गई, वहाँ की फ्रेग्रेंसी कितनी जबरदस्त थी और मुझे पहाड़ मुझे काटते हुए जा रहे थे और मैं एंजॉय कर रही थी। कोरोना में तो हमारी आउटिंग ये थी कि भाई एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से किचन में, किचन से फिर बाथरूम में। ये हमारी सबसे बड़ी आउटिंग ये थी। मैं कोरोना में तकरीबन सफर में रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैं कोरोना में तकरीबन सफर में रहा हूँ, कागान, नारान, गिलगित, हुंजा, मतलब जिधर मिसेज साथ है, बच्चे साथ हैं और वो खाने पकाने का सामान भी में, बस जिधर बैठे उधर ही वही शुरू हो गया। कोरोना को भरपूर तरीके से आपने पहचाना है। क्या करना है इसमें? मैं मतलब लाहौर से जो है 13 घंटे में मैं कराची होता हूँ, सुबह 8 बजे चलता हूँ, रात को 9 बजे कराची होता हूँ। वन ड्राइव खुद कर लो, कागान, नारान, ये जितने एरिया है खुद ड्राइव, 3 घंटे में जो हकीकत बात है मैं खुद भी थक जाती हूँ। मुझसे ज्यादा फेवरेट प्लेस कौन सा है, मतलब कौन शहर है जो अच्छा लगता है जहाँ बार बार जाना? अपने पाकिस्तान जहाँ दोस्तों, जहाँ दोस्तों, जहाँ पर भी दोस्तों, सही सही। चाहे रेगिस्तान में क्यों ना, क्या बात है जबरदस्त। अच्छा सिंध की वो कौन सी बात है जिससे आपकी उनसियत ज्यादा है, कुछ मतलब अच्छा लगता है फील करना?
या उड़ना पहनना खाना कुछ भी बता दें। मीठे मिजाज के लोग हैं, गुड़ के लोग हैं ना। और फिर मेरी जो मिसेज है वो तो खुद मतलब शक्कर से हैं। अच्छा अच्छा। शक्कर में उनकी तालीम है, शक्कर से ही है और सिंधी वो बोलते हैं। तो ज्यादा जो ताल्लुक वास्ता रहा है यहाँ लोगों से और दिया ही इस मट्टी ने यार। सही, मैं सही, तो सही बात है। अक्सर ये कहता हूँ सिंधी बोलते हैं कभी बेगम के साथ या दोस्तों के साथ? वो सिखाती नहीं है। ये बड़ा अच्छा काम करती है। आप अगर आप हमारा शो देख रहे हैं, ये अपना जो ना हथियार है किसी को मत दिएगा। सिखाती नहीं है। आपस में जो है वो अक्सर जो नहीं कोई गिला शिकवा किसी से करे सिंधी में तो समझ लेते हैं। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ कि मेरी जिंदगी के जो अच्छे अमाल है ना वो अल्लाह पाक ने मुझे मेरी बीवी की शक्ल में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सियासी को बरकरार ही रखे। नहीं नहीं नहीं, ये दिल की बातें होती हैं। क्योंकि हो सकता है ना मैसेज आया मैं देख रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, अच्छी मैं देख रही हूँ और फिर देखूंगी। मेरी तरफ से हो सकता है, उसकी तरफ से कभी भी नहीं। मैं अपनी वालदा को अक्सर इस अच्छा, बात के ऊपर दुआ देता हूँ क्योंकि माँ का फैसला था। अच्छा, हमने तो देखी भी नहीं सर। आपके रिलेटेड थी? नहीं रिलेटेड, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज ही चेंज है, सिंधी है आप वैसे हैं। नहीं रिलेटेड, फादर के हवाले से रिलेटेड। अच्छा 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 सही। उनकी पोस्टिंग मेरे ससुर की जो थी इधर से थी। हम लोग जो बिलोंग करते हैं मानसर एबटाबाद से, पीछे आबाओ अजदाद जो हमारे, तो उसके भी आबाओ अजदाद इधर हैं। तो उसकी पैदाइश सिंध की है, सखर की पैदाइश है और फिर मतलब शादी हो गई। तो मैं तो बाहर था, तो वालदा ने कहा शादी, तो मैंने कहा कर दें जी। जहाँ आपको अच्छा लगे। ये नहीं कहा बड़ी जल्दी ख्याल आया। तो ये फैसला माँ बाप पे आप छोड़ देने जी। तो क्योंकि आपकी जो शादी की उम्र होती है ना उस वक्त आप इतने मैच्योर नहीं होते। मैच्योर नहीं होते हैं। तो मेरी माँ ने जो फैसला मेरे लिए किया तो मैं कुर्बान जाऊं। हाँ। क्या बात है, बड़ा अच्छी जिंदगी। और फिर रिश्तों की बुनियाद झूठ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। जिन रिश्तों की बुनियाद झूठ होती है वो थोड़ा ही अरसा चलते हैं। सही बात, सही बात। तो उसे मेरे बारे में सब कुछ अच्छी तरह पता था कि दिन इसने कब जाना है कब आना है कोई पता नहीं। पता सही नहीं। सही। और वो आज तक मतलब पोते पोतरियों नवासे तो सोचा होगा कि मुझे हाँ। ये जो है एक्सेप्ट करके ये सैक्रिफाइसेशन नहीं, वो पहले ही बता दिया था कि जी मतलब वो हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। नहीं भाई मैं यही हूँ, कबूल है। कबूल है। तो इस वजह से कभी झगड़ा ही नहीं हुआ है, तो कभी कोई मामला ही नहीं हुए। अल्लाह उसको जिंदगी दे जी, मेरी जिंदगी के अच्छे अमाल बीवी की चक्कर। सर बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, बड़ा अच्छा शो रहा। कोई लास्ट में आप मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को, अपने फ्रेंड को या अपनी फैमिली को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? बस जी फैमिली के पास तो हर टाइम वो गुफ्तगू उनसे होती है। उनको तो मैसेज आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। और सर्दी है। हाँ, गिर्दो पेश ऐसे लोगों को देखेंगे जिनके पास गर्म कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, नंगे बदन है, मजदूब हालत में है। तो कोई अपने घर के जो दो जोड़े कपड़े होते हैं ना, तो वो कम से कम किसी के जिस्म की जो ठंडक है आपके पहने हुए लिबास से भी उसको गर्माइश मिल जाए। बिल्कुल। तो ये जिस्म तो खाकी है, वो तो है तो ना, इसने रहना है और इसने जाना है। सही, तो सही। जो अपने हाथ से आप कर सकते हैं उसको बिल्कुल खैरात करें और एहसास करें, रिश्तों का एहसास करें अपने गिर्दो पेश जो लोग होते हैं और खसूसन जो आपके मातहत होते हैं। ये अल्लाह के नबी की जो आखिरी वसीयतें हैं दो, एक नमाज की और दूसरी अल्लाह के नबी की आखिरी वसीयत है कि आपके मातहत जो काम करता है उसका एहसास जबरदस्त। थैंक यू सो मच के लिए सुठो अज एकड़ो अल्लाह के नाले जी तमाम समझो कि नात भी चई सकूं था, एकड़ो कलाम भी चई सकूं था, एकड़ी कवाली भी इन के चई सकूं था। डाडी खूबसूरत तवाने के कंपोजिशन में तवाने के पेश कियो। लास्ट में तवा का भी यकीनन असा गानो बुधनासी हमद भी चई सकूं था असा इन के जबरदस्त डाडो सुठो लगो। ए नाजरीन हाने से प्रोग्राम जो वक्त पानी पुजाणी ते पहुंची वे है मंडे खा वठी असा जो कल्चर डे के सेलिब्रेशन कंदा से तवा सा गड पूरा पूरा 6 दिन इन के एंजॉय कंदा से
तुम भी इंजॉय कर प्रोग्राम में कॉल कजो इन से गडो गड पांजी होस्ट सदा भुट्टो की जो इजाजत पांजो पांजे घरवारन जो जिनसा तमाम मोहब्बत कंदा जिनसा तमाम प्यार कंदा उन सबिन जो खोड़ सारो ख्याल रखो इरशाद जगरानी से गडा ये भी तमाम यकीन इजाजत बिल्कुल मोकलायो था असी भी इंशाल्लाह सुमर खा वरी नए जोश जज्बे पांजे मिट्टी सा पांजी धरती सा प्यार खणी ता जी खिदमत में पेश दीनासी हयाती बखैर सो जी लतीफ जी मिठी बोली अल्लाह भाई चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना ओ सानू एक पल चैन ना आवे ओ सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना दिल कमला डुब डुब जावे दिल कमला डुब डुब जावे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना ओ सानू एक पल चैन न आवे सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना साडा कलिया जी नहीं ओ लगना साडा कलिया जी नहीं ओ लगना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना साडा कलियो जी नहीं ओ लगना साडा कलिया जी नहीं ओ लगना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सानू एक पल चैन न आवे ओ सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना।
ना तेरे बिना। सुबह सुबह जो पकी अखेर माँ डरे थो हरी नारी लपके संभाले निकरे थो इन सर जमीन सिंधते जिए सजो घरे थो खुशहाली है हमन जोड़े सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन।